बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों डॉक्टर जाकिर नायक साहब से एक हिंदू शख्स जिसका नाम है राहुल, वो ये सवाल करता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने मेरे एक साथी जिसका नाम राजेश था उससे ये कहा कि जब इस्लाम आया तो उसने पुरानी तमाम शरीयतों को मस्ख कर दिया और उसके बाद उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इंसानों के दिमाग में गलत रची बसी हुई थीं उनको ठीक किया और सरकार दो आलम शफीए मौज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने लोगों को बताया कि जो चीज़ उनके दिमाग में है, जो खुदा का कंसेप्ट उनके दिमाग में है, वो गलत है और खुदा एक है, इस्लाम अल्लाह तबारक तआला का सच्चा दीन है और उसके अलावा और कोई माबूद नहीं। तो राहुल ये पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या आप माजी के अंदर मौजूद खुदाओं का जो कंसेप्ट था जिसको वो फैक्ट यानी कि हकीकत का नाम दे रहा है माजल्ला, कहता है कि ये बताइए कि क्या उन खुदाओं का कोई वजूद नहीं था, क्या लॉर्ड शिवा या लॉर्ड गणेश मौजूद नहीं थे, क्या इस्लाम ने आकर जब उनकी शरीयतों को मस्ख किया तो इस्लाम की आमद से पहले क्या ये सारे खुदा इस जमीन पर मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ वो ये भी पूछते हैं कि ये बताइए कि इस्लाम की आमद के बाद मुख्तलिफ कैसे हो गई जबकि इस्लाम को आए हुए बहुत ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ। तो इसके जवाब में डॉक्टर साहब ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है वो भी मुलाहिजा कीजिए। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि हम लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा खन्नास ये है कि शायद इस्लाम 1400 साल पहले सरकार दो आलम शफीए मौज़म हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आया। हालांकि ऐसा नहीं है, सरकार दो आलम इस्लाम के मौजिद नहीं है, उन्होंने इस्लाम को ईजाद या दरियाफ्त नहीं किया बल्कि वो इस्लाम के आखिरी नबी हैं, खातिमुल मुरसलीन हैं। इस्लाम उस दिन से इस दुनिया में आ चुका था जिस दिन पहले इंसान ने ज़मीन पर कदम रखा, यानी जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उनकी आमद के साथ ही इस्लाम दुनिया में आ गया, क्योंकि उस वक्त कोई और चरिंद परिंद तो इस दुनिया में था नहीं। इंसानों में सबसे पहले इंसान हजरत आदम थे तो आदम अलैहिस्सलाम की आमद के साथ ही इस्लाम भी दुनिया में आ गया। ये हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी या फिर यहूदियत, ये सारी चीजें जो हैं, ईसाइयत वगैरह, ये इस्लाम की आमद से पहले नहीं है बल्कि इस्लाम इन सबसे पहले मौजूद था और ये सब चीजें इस्लाम के बाद आई है। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम यह है कि इंसान की आमद से चरिंद परिंद हत्ता कि किसी भी चीज के वजूद से पहले से इस्लाम इस दुनिया में मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में सिर्फ एक ही दीन है जिसको कबूलियत अता होती है और वो दीन इस्लाम है। और फिर इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 85 में दोबारा दोहराया है कि अगर कोई इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन पर होगा तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि वो उन लोगों में से होगा जो खसारा पाने वाले हैं। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो पहला इंसान ही पहला नबी था, यानी उनकी आमद के साथ ही जो है वो इस्लाम इस दुनिया में आ गया और फिर उसके बाद 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम सरकार दो आलम की हदीस के मुताबिक इस दुनिया में तशरीफ लाए। और कुरान पाक में नाम से सिर्फ 25 ऐसे अंबिया हैं जिनको मुखातिब किया गया, जिनके अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हजरत इब्राहिम हैं, हजरत मूसा हैं, हजरत ईसा हैं और सरकार दो आलम शफीए मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब डॉक्टर साहब यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो राम या कृष्णा जिनके आप नाम ले रहे हैं उस हिंदू दोस्त से कहते हैं कि हो सकता है कि ये लोग भी अल्लाह के नबी हों। मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अंबिया में से 1,24,000 जो कमोबेश अंबिया आए हैं उनमें सिर्फ 25 के नाम कुरान पाक में मौजूद हैं, बाकियों के नाम तो मौजूद ही नहीं। हो सकता है कि ये तमाम लोग भी अल्लाह के नबी हों, लेकिन हर नबी उस वक्त के लिए, उस उम्मत के लिए था जिस वक्त में वो आए इस दुनिया में। लेकिन जब सरकार दो आलम आए तो चूंकि वो पूरी इंसानियत पर दीन को मुकम्मल करने के लिए आए, लिहाजा आप अब के बाद यानी सरकार की आमद के बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा, तो सरकार ने पूरी दुनिया के लिए जो है वो इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। जैसा कि सूरह अल अंबिया के अंदर आयत नंबर 107 में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इरशाद फरमाती है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमीन, के बेशक हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसी तरीके से कुरान पाक के अंदर सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, लेकिन साथ ही सूरह अर्रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आयत नंबर 38 में इरशाद फरमाते हैं कि हर एक वक्त के लिए, हर एक दौर के लिए एक अलग किताब भेजी गई। लिहाजा वो उस हिंदू से कहते हैं कि अगर आप ये कहें कि वेदास खुदा की किताब है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो किताब है या नहीं, क्योंकि उसका जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है। लिहाजा कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत के लिए नाजिल फरमाया और इसके अंदर हर उस सवाल का जवाब मौजूद है जो कि आने वाली इस दुनिया में किसी भी इंसान के दिमाग में आ सकता है। सूरह इब्राहिम की
आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला की जात इरशाद फरमाती है, फिर आयत नंबर 14 के अंदर इरशाद फरमाती है, और फिर इसके अलावा और कई दूसरी आयत के अंदर इरशाद फरमाती है कि कयामत के तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को तमाम इंसानियत के लिए, सिर्फ अरबियों के लिए या अजमियों के लिए, किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी खास इलाके के लिए नहीं, बल्कि कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए इस किताब को नाजिल फरमा दिया और इसके अंदर तमाम सवालों के जवाब दे दिए। अब इसके बाद वो शख्स यानी राहुल दोबारा सवाल करता है कि ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में हर किताब का या हर दौर के अंदर आने वाले सहीफे का जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारे तक जो किताबें पहुंची हैं, उन किताबों को हम तक पहुंचाने वाले जो उलामा हैं, जो पंडित हैं, उन लोगों ने शायद ये गलती की हमें ये बताने में कि इन किताबों में जिन लोगों का जिक्र है, यानी कि किसी लॉर्ड कृष्णा का या किसी और दूसरे लॉर्ड का, इसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स यानी खुदा भी मौजूद है जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हर दौर के हवाले से सहायफ उतारे, लेकिन वो सिर्फ उस दौर के हवाले से फिट थे, उसके बाद वो फिट नहीं थे, इसलिए उन्हें महफूज करना मुनासिब नहीं समझा गया, क्योंकि मेरे पास इस वक्त सिर्फ 4 ऐसी किताबें हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, तो इसके अलावा जितने सहीफे थे वो सारे के सारे उस दौर, उस वक्त के लिहाज से उतारे गए और उसके बाद उनकी जो हालत है उसे मस्क कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब यहां पर एक दफा फिर से वो शख्स सवाल करता है, वो कहता है कि क्या आप डिनाई कर रहे हैं, क्या आप इस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं कि कोई महाभारत या कोई रामायण नहीं थी। हालांकि वो डॉक्टर साहब का जवाब सुन भी चुका है, लेकिन वो उसको समझ नहीं रहा और कहता है कि अब तो जियोग्राफी ने भी इस चीज़ को जो है, जियोग्राफी ने प्रूव कर दिया है कि ये सारी किताबें मौजूद थी, इन किताबों के अंदर जिन चीज़ों का एक्सप्लेन किया गया है, जो करेक्टर्स मौजूद थे, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब की बजाय आपको मालूमात देना शुरू करता। अगर आप मुझसे रामायण और महाभारत के बारे में सवाल करते हैं तो आओ मैं आपको बताता हूँ कि ये हैं क्या। अब डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि रामायण की कितनी इकसाम है। राहुल वहां पर कच्चा हो गया, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी कितनी इकसाम है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि रामायण को लिखने वाले सबसे बड़े मुहक्किक रामुजा के मुताबिक रामायण की 300 मुख्तलिफ इकसाम है। अब इसमें से राहुल तुम कौन सा फॉलो करते हो ये मुझे नहीं पता। वो आगे से कहते हैं कि मैं रामायण की बात नहीं कर रहा, मैं बुनियादी कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि किस किताब को फॉलो करें, जिसके जवाब में डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने सिर्फ एक किताब को फॉलो करना है और वो है कुरान मजीद। इस पर राहुल सवाल करता है कि क्या आप इस फैक्ट को डिनाई कर रहे हैं कि कोई खुदा मौजूद था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें ये फैक्ट यानी ये हकीकत बता रहा हूँ कि सिर्फ एक खुदा है और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जिस पर राहुल कहता है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। इसके बाद डॉक्टर साहब उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, लेकिन तुम सवाल का जवाब समझने से कासिर हो। मामला ये है कि तुम्हारे अपने दीन के अंदर ये कहा जाता है कि खुदा किसी सूरत में मौजूद नहीं है, यानी वो किसी हीले की सूरत में, किसी शेप की सूरत में मौजूद नहीं है, खुदा बगैर किसी इमेज के है। राहुल जब पूछता है कि क्या हम खुदा को बुत बनाकर पूछ सकते हैं, तो इस पर भी आगे से डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारा अपना दीन ये कहता है कि उसका इमेज बनाकर उसको पूजा नहीं जा सकता, तुम खुदा की बात से किसी तौर पर भी इख्तलाफ नहीं कर सकते। और ये बात यजुर्वेद में आपकी जो किताब है उसके चैप्टर नंबर 32 में तीसरी आयत के अंदर मौजूद है कि खुदा की तस्वीर मत बनाओ और तुम खुदा की तस्वीरें बना रहे हो, लिहाजा तुम अपनी किताब के खिलाफ जा रहे हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुम वाकई महाभारत में यकीन रखते हो, वेदस में यकीन रखने वाले हिंदू हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि महाभारत एक ऐसी कहानी है जो अर्जुन के दादा ने सुनाई थी, जिसके अंदर सिर्फ 8,000 श्लोकास थे, जबकि इसके बाद इसमें 24,000 श्लोकास आ गए और आज इसके अंदर 1,00,000 से ज्यादा श्लोकास मौजूद है। वो कहते हैं ये बताओ कि इतने सारे श्लोकास में कैसे आ गए। जैसे जैसे कहानी सीना ब सीना मुंतकिल होती रही, हर खानदान ने अपने लोगों को हीरो बनाने के लिए उनको भी इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं उस दौर के अंदर चंद जो पांडु भाई थे उन्होंने मुकाबला किया 8,000 का, आज के दौर में बताया जाता है कि उन्होंने 1,00,000 का मुकाबला किया, तो कि बाकी लोग कहां से आ गए। डॉक्टर साहब फिर उसे दोबारा कहते हैं कि क्या तुमने कुरुक्षेत्र पढ़ी है, तुम्हारी किताब के मुताबिक तो कुरुक्षेत्र के अंदर तकरीबन 1,00,000 के करीब जो है वो हाथी मौजूद थे, हालांकि कुरुक्षेत्र जितनी बड़ी जगह है उसके अंदर हाथी आ ही नहीं सकते, जैसे कि हमारे इस हॉल के अंदर 10,00,000 लोग नहीं आ सकते। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है कि मैं जिस कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ वो कुरुक्षेत्र आज के दौर से काफी बड़ा था। जिसके जवाब में डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या आपने महाभारत पढ़ी है। वो कहते हैं मैंने उसके बारे में सुना है।
तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुमने उसके बारे में सुना है तो इसका मतलब कि तुम उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अगर डायबिटीज का शिकार हो तो तुमने चीनी को हाथ नहीं लगाना, लेकिन तुम कहते हो कि मैंने कहीं से सुना है कि चीनी को हाथ लगाने से कुछ नहीं होता, तो ये एक इंतहाई फजूल बात है। जब उस शख्स ने कुरुक्षेत्र की दोबारा से बात की कि उसकी सरहदों के बारे में आप क्या जानते हैं, मेरे घर से वो सिर्फ 50 मील के फासले पर है, मैं जानता हूं कि कुरुक्षेत्र की बाउंड्रीज क्या है, तो इसके जवाब में डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी किताब में ये लिखा है, आपके सहिते में ये लिखा है कि कुरुक्षेत्र की कुछ बाउंड्रीज हैं और उन बाउंड्रीज में उतने लोग या उतनी चीजें आ ही नहीं सकती जो कि आपकी किताब में लिखी है, लिहाजा आपका सवाल ही गलत है। आपका सवाल शुरू यहाँ से होता है कि इस्लाम की आमद से पहले क्या था, हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नाकिस अकीदे के मुताबिक इस्लाम 1400 साल पहले आया है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लाम तब से है जब से कोई नहीं था, यानी जब इंसान बना वो इस दुनिया में आया तो इस्लाम पहले से इस दुनिया में मौजूद था। आपके सहायफ और आपके पंडित कहते हैं कि हिंदुइज्म 4000 साल पहले जो है वो इस दुनिया में आया, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि इस्लाम 4000 साल पहले नहीं बल्कि इंसानियत की आमद से पहले इस दुनिया में मौजूद था। वो हिंदू फिर से ये सवाल करता है कि मुझे ये बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि खुदा एक है तो मुझे इसमें कोई जो है वो शक नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे पास जो खुदा है वो लॉर्ड शिवा है, वो गॉड कृष्णा है। तो इस पर आगे से डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आप ये कहें कि ये लोग अवतार हैं यानी खुदा के रसूल हैं, ये लोग मैसेंजर हैं, तो फिर इसमें मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस लम्हे आप ये कहते हैं कि ये खुदा है यानी कृष्णा एक अलग खुदा है, शिवा एक अलग खुदा है, तो ये वो वक्त है जब आप अपने ही सहीफे के खिलाफ चले जाते हैं। लिहाजा मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि खुदाए बुजुर्गो बरतर तुम्हें सही रास्ता दिखाए, जिस पर वो शख्स माजरत करके वहां से चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो।